राजस्थान आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। रात के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। करीब 2.5 महीने के इंतजार के बाद प्रदेश बीजेपी को नया मुखिया मिल गया है। सतीश पूनिया के हाथों में प्रदेश बीजेपी की कमान दे दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सतीश पूनिया को राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आई। लेकिन पद मिलने के साथ ही सतीश पूनिया के कंधे पर कई जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है, लेकिन राजनीति हर पल अपना रंग बदलती है। लिहाजा पूनिया की पहली परीक्षा निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के बाद होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ताज मिलने के बाद अब पुनिया अपने इस नए परीक्षा और नई पहचान को मुकम्मल करने के लिए क्या प्लानिंग करेंगे, उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आमेर विधायक सतीश पूनिया प्रदेश बीजेपी के नए मुखिया बन गए। हालांकि पहले माना जा रहा था कि संगठन चुनाव के बीच में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं करेगी, लेकिन अपने फैसले से चौंकाने वाले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार फिर सबको चौंका दिया। 55 साल के सतीश पूनिया के नाम का ऐलान होते ही पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें बधाई दी। वही पद मिलते ही पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जिस अंतरकलह का शिकार कांग्रेस पार्टी है, मुझे लगता है कि हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। इसलिए चाहे निकाय चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक बार फिर से दमदार वापसी करेगी। सतीश पूनिया भले ही जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन निर्विवाद छवि के साथ ही हर समाज के बीच उनकी अलग पहचान है। इसके साथ ही पूनिया आरएसएस और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी नजदीकी माने जाते हैं। प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी राजेंद्र गहलोत और प्रदेश महामंत्री वीरमदेव सिंह ने पूनिया को उनकी नियुक्ति का आदेश भी सौंपा। सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है और एक गांव और किसान के युवाओं को ये जिम्मेवारी दी गई है। अपने छात्र जीवन में एबीवीपी और शुरुआती राजनीति में भाजयुमो से प्रदेश महामंत्री के तौर पर पार्टी का काम संभालने वाले सतीश पूनिया को उनके 36 साल की मेहनत का इनाम मिला तो पार्टी के सभी नेताओं ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया। जब से उनकी घोषणा है तब से लेकर कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ उनके स्वागत और सम्मान के साथ आया, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शशि जी इस प्रकार का कार्यकर्ता कि वो नेतृत्व पे विश्वास करता, नेतृत्व जो फैसला करता उसके साथ वो खड़ा दिखता है। पूनिया को नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उनके सामने आने वाले निकाय और पंचायती राज चुनाव बड़ी चुनौती होंगे, जिसका इल्म खुद पूनिया को भी है। सतीश पूनिया के रूप में बीजेपी को अब तक का सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष मिला है। पूनिया की नियुक्ति के साथ ही बीजेपी में एक पीढ़ी का बदलाव भी दिखाई दे रहा है। इस नियुक्ति के साथ ही पार्टी ने संगठन में नए खून का संचार करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी पहली परख आने वाले निकाय चुनाव और विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होगी, और यही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, हम ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे कराते हैं, उसके बाद इस बड़ी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खुद सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश गौरासिया जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश पारिक जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। जेठानंद व्यास जी आरएसएस प्रचारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डिबेट में शामिल होने के लिए। सतीश पूनिया जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको प्रदेश में नई जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे, नई जिम्मेदारी दी है पार्टी की तरफ से, जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी चुनौती भी कहीं ना कहीं इस पद पर बैठने के बाद सामने आती है, क्या कुछ प्राथमिकताएं और ये जिम्मेदारी आपको कैसे मिली? सवाल ये कि पार्टी के कई बड़े पैमाने थे, वो पैमाने पूनिया पर आकर कैसे पूरे हुए वो मैं समझना चाहूंगी आपसे। देखिए सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी के साथ साथ खुशी, आनंद, उमंग और चुनौतियां भी साथ आती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जिसने बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू किया,
और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलती है तो निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे उन 36 वर्ष में मेरे साथी सहयोगी जो आंधी और तूफान में साथ खड़े रहे, जिन्होंने विपरीत समय में विचलित नहीं होने दिया और जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बूथ पर पूरी मजबूती से थामते हैं और जिन्होंने ये करिश्मा लोकसभा चुनाव में दिखाया और समय समय पर दिखाया है, इसलिए इन चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कतई विचलित नहीं है। और निश्चित रूप से, हालांकि ये धारणा है कि जब सत्ताधारी दल होता है तो उसको निकायों में और पंचायती राज में एक किस्म की प्रिविलेज मिलती है, एज मिलती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं की परिश्रमी फौज ये कांग्रेस के इस मिथक को निश्चित रूप से तोड़ेगी और इन चुनौतियों से निश्चित रूप से हम लोग पार पाएंगे, मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ। 14 साल का प्रदेश महामंत्री का आपका अनुभव और इसके अलावा प्रवक्ता के तौर पर प्रदेश की राजनीति पर आपकी पहली नजर रही, विधायक के तौर पर जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई, सभी जिम्मेदारियां अब तक आप बखूबी निभाते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्या आपको लगता है 36 साल की जो मेहनत है उसका ये आपको एक सफल परिणाम या फिर उसका इनाम के तौर पर आपको मिला है? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं देखता हूं नई पीढ़ी के महत्वाकांक्षी लोग आते हैं, लेकिन हमने जिस पीढ़ी में शुरुआत की है, हमारे जो पार्टी के पुराने लोग थे उनसे विरासत में हमें संघर्ष मिला है, उनको देखते थे काम करते हुए, और धीरे धीरे मैं समझता हूं कि धैर्य के साथ चलना, काम और ईमानदारी ये राजनीति में सबसे बड़े हथियार हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, मुझे लगता है कि केवल मुझे नहीं, उन तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, उनको तवज्जो दी है जो पूरे राजस्थान भर में जाति से ऊपर सद्भाव के साथ, पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं और हर विपरीत परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े रहे। तो मुझे लगता है कि ये केवल मेरा सम्मान नहीं, ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो जाति, क्षेत्र और बिरादरी से ऊपर सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ते हैं, ये उनका सम्मान है, ये उनको जिम्मेवारी मिली है। मैं समझता हूं कि पार्टी ने इसको ठीक से समझा है। पुनिया जी, देखिए विरोधियों से चुनौती तो आपको है ही, लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर आप क्या चुनौती देख रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं पुनिया जी की रहेंगी इस वक्त निकाय चुनाव से पहले? हमारी पार्टी में कोई चुनौती नहीं है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद इन परिस्थितियों में कुल मिलाकर ऐसी नजर आती है जो हिट विकेट का शिकार होने वाली है। ये लोकसभा में भी दिखा है और ये नजारा अभी जो पार्टी में, कांग्रेस में दो ध्रुव बने हुए, दो शक्ति केंद्र में बने और राजस्थान में बने जी। और जिस तरीके का अंतर्कलर, अंतर्विरोध दिखता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि जो वायदे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, जो छलावा किसानों के साथ किया, जो नौजवानों के साथ किया, इस पूरे राजस्थान में जाति के आधार पर लोगों को बांटा और एक कम्फर्ट थी कांग्रेस को 55 सालों तक, लोग उनके बुलावे और छलावे में आते रहे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। नरेंद्र मोदी जी का भारतीय राजनीति में आगमन ये कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को पुख्ता करता है और जमीनी तौर पर जो काम केंद्र की सरकार ने किया, तो मैं दो तरीके से मानता हूं, एक तो सत्ता के नाते कांग्रेस की कमजोरी और लोकसभा का परिणाम साफ तौर पर बताता है कि 1,96,00,000 वोट हमें मिले और 184 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सीटें जीती हमने, 184 पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, कांग्रेस मात्र 15 सीटों पर अपनी इज्जत बचा पाई है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय पूरे राजस्थान में राष्ट्रवाद की लहर है, लोग वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लोगों को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है, उनकी नीयत पर भरोसा है और ये प्रूव हो गया, ये साबित हो गया अनुच्छेद 370 और 35A के समाप्ति के बाद में। तो मुझे लगता है कि राजस्थान भी राष्ट्रवाद के उस नारे को पुख्ता और बुलंद करता है, तो निश्चित रूप से, लेकिन इससे ज्यादा सबसे बड़ी ताकत किसी में है तो बूथ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता में है जिसने बहुत वर्षों तक कांग्रेस से संघर्ष किया, जुल्म सहे, जेलें देखी और लाठियां सही, उनके तानाशाही को सहा, लेकिन वो पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से डटा रहा, वो सबसे बड़ी ताकत हमारी है। तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं की एक समर्पित फौज ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी परिणाम को सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से बदल सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन चुनौती की हम बात कर रहे थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौती आपने खुद स्वीकारा कि निश्चित तौर पर कांटों भरा मैं ताज कहूं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारी के साथ जो चुनौतियां रहती हैं वो निश्चित तौर पर इस ताज के साथ कई सारी चुनौतियां लेकर आती हैं। मेरा सवाल ये है कि पार्टी के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस, समय समय पर खेमेबाजी गुटबाजी लगातार सामने आती रही है और अध्यक्ष पद पर जो भी व्यक्ति होता है उसके लिए ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण मसला हो जाता है कि उस खेमेबाजी को कैसे भरा जाए, उसको कैसे दूर किया जाए। इस चुनौती का सामना आप भी करेंगे लेकिन इसको कैसे पार पाएंगे? देखिए, मैं पार्टियों में अंतर करूं तो वैचारिक भी फर्क है, व्यवहारिक भी फर्क है, कार्यकर्ताओं के नाते भी फर्क है और नेताओं के नाते भी फर्क है। यहाँ ऐसे न तो कोई ध्रुव है, न किसी किस्म का मतभेद है और न मनभेद है। राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर जो कुछ चर्चाएं होती हैं वो कुल मिलाकर प्रायोजित सी होती हैं, लेकिन मैं आज ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी एकमुखी है और हम निकाय में भी, पंचायती राज में भी, उपचुनाव में भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस को जमीन पर उसकी औकात दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए पुनिया जी हमारे साथ रहिए, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। ओम सैनी जी, आपने देखा पुनिया जी का साफ तौर पर कहना है कि पूरी रणनीति के साथ हम मैदान में हैं, निकाय चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि हमारी रणनीति, हमारी तैयारी इस तरीके की है। क्या आपको लगता है कि जब प्रदेश में बीजेपी को नेतृत्व भी मिल गया है जिस पर सवाल खड़े कर रही थी कांग्रेस, अब कांग्रेस के आगे एक बड़ी चुनौती हो जाएगी निकाय चुनाव में? देखो लक्ष्मी, एक सबसे पहले तो बता दूं कि ये पुनिया जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक विनम्र और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता का चेहरा है और जिन्होंने अपना जीवन ईमानदारी से बिताया है और पार्टी के लिए लगातार काम किया है। तो ऐसी स्थिति में जो विभिन्न राजस्थान की जो विविधताएं हैं, जो जातिगत विविधताएं हैं और जो संभागगत विविधताएं, उनमें समन्वय बिठाने की क्षमता इनमें है और इन्होंने हंटिंगटन ठीक से पढ़ा होगा ज्योग्राफर की हैसियत से, तो जानते हैं कि इन सब लोगों के साथ में कैसे समन्वय बिठाया जा सकता है। और प्रैक्टिकली ये रहे हैं इतने लंबे अरसे से छात्र राजनीति से निकल के यहाँ तक, तो मैं समझता हूँ कि इनको ठीक से पता है कि कहाँ आक्रमण किया जाना चाहिए, इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के कैसे लाभ उठाया जा सकता है। और साथ साथ में जो संपर्क है इनके और जो कांग्रेस पार्टी से जो के सामने जो चुनौती है कि जो प्रोमिसेस किए थे उनको कितना फुलफिल किया, जैसे उन्होंने चर्चा की है कि किसानों की नाराजगी अभी तक बरकरार है, अब वो कितनी सच है कितनी नहीं है ये अपने संघर्ष के माध्यम से स्थापित करेंगे। साथ साथ में नौजवानों को जो रोजगार का सिलसिला है या जो उनको जो बेरोजगारी भत्ता देने का सिलसिला है वो कितना कारगर हुआ, ये भी इसको भी उठाया जा सकता है। और ये सारी बातों के जवाब निकाय के चुनावों में और जो उपचुनाव होंगे उसके अंदर ये मांग लेंगे, तो उसके बाद में और क्षमता के साथ में अगर मांगेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और इनका आकलन है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की सरफुटावल चलती रही है, जो दो केंद्र जो बने हुए हैं शक्ति के, इनका मानना है उनका ये लाभ निश्चित रूप से उठाएंगे। मुकेश पारिक जी, अब तक हर एक कार्यकर्ता के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल था कि क्या हम बिना किसी नेतृत्व के चुनाव लड़ने जाएंगे, लेकिन 3 महीने के मंथन के बाद जो रिजल्ट सामने आया, एक बार फिर से सबको चौंकाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला कर दिया। फिर से पुनिया जब सामने आए तो कई लोगों के चेहरे कहीं ना कहीं एक बड़े चौंकाने वाले थे कि आखिर ये डिसीजन कैसे हुआ। मेरा सवाल ये कि इतने गहन मंथन के बाद जो चेहरा सामने आया है उसके क्या पैमाने पार्टी ने तय किए? ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता का चयन किया है जो पूरे प्रदेश भर में सभी कार्यकर्ताओं में प्रिय है और सभी नेताओं में प्रिय है। जिस कार्यकर्ता ने काफी लंबे समय तक एक महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव है, छात्र जीवन में हमारे वैचारिक एबीवीपी के साथ जिन्होंने एबीवीपी में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, लंबा कार्य किया है। और मुझे याद है युवा मोर्चा के जब आप अध्यक्ष बने तो उस समय एक यात्रा, पैदल यात्रा कई युवाओं को साथ में लेके अजमेर से लेके और भरतपुर तक की, जो काफी लोकप्रिय हुई और एक युवाओं में एक जागृति आई, युवाओं को लगा कि एक संघर्षशील हमारा प्रदेश अध्यक्ष बना है। तो बहुत सारा एक लंबा अनुभव और मृदुभाषी और हमारी जो पार्टी की रीति नीतियां हैं उनको बखूबी जानने वाले कार्यकर्ता को चयन किया है और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश के नेतृत्व के रूप में सतीश जी पूनिया का जो चयन हुआ है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ है। पार्टी जिस गति से बढ़ रही थी और भी तेज गति से हमारा प्रदेश का कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा, हमारे प्रदेश की पार्टी आगे बढ़ेगी और आने वाले जो चाहे निकायों के जो चुनाव है निश्चित रूप से पहले की तरह एक अच्छा प्रदर्शन हमारी पार्टी का रहेगा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेने की जो हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की जो छवि है और जिस प्रकार से वो करते हैं तो उसमें वो पूर्णतः माहिर हैं, सफल हैं और मुझे लगता है कि आपका जो ये गुण है हमारे पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके आगे बढ़ेगा। अच्छी बात कही आपने कि जो उनका सरल स्वभाव है, सबको साथ लेने का जो उनका अब तक का अनुभव जो सामने आया है वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि जो अब तक खाई या फिर दो खेमे देखने को मिले हैं शायद उसको भी भरने में कामयाब होंगे। पुनिया जी, पुनिया जी, मेरा एक सवाल आपसे ऐसा है, जिस तरीके से पार्टी ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी आपको सौंपी है, सवाल ये भी आता है कि आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसके अलावा आम लोगों के बीच आपकी छवि बेहद लो प्रोफाइल राजनेता की होती है, जिसके पास अगर पुनिया का जिक्र होता है तो सब लोगों को ये एक आश होती है कि हम उनसे बखूबी मिल सकते हैं, अपनी समस्या को उनके सामने रख सकते हैं। आपका अब तक का जो हम 36 साल का अनुभव देखते हैं पूरा फोकस आपका काम पे रहा, इस सकारात्मक खूबियों का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले उसका परिवार होता है जिससे वो जो ताकत बनता है उसकी जी। दूसरा, मैं विद्यार्थी की हैसियत से जयपुर में आया और जिस संगठन से मेरा वास्ता पड़ा उस संगठन का नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। मैं संघ के संपर्क में आया, एक ऐसे संगठन जो इस देश की रीति नीति के आधार पर संस्कारों से किसी छात्र शक्ति का और युवा शक्ति का निर्माण करते हैं, तो मुझे ये विरासत में मिले और इसलिए उस समय जब आया था तो किसी एक नेता ने मुझे कहा था कि एक जाति का नेता बनना आसान है लेकिन सब जातियों का नेता बनना मुश्किल है, ये चुनौती है, लेकिन मैं मानता हूं आज मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है कि मेरी पहचान एक कैडर के कार्यकर्ता के नाते, एक विचार के कार्यकर्ता के नाते, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते, तो निश्चित रूप से संगठन एक ऐसा शब्द है जिसको मैं पूरा श्रेय दूंगा कि जिसने मुझे संस्कार दिए, अनुशासन दिया, धैर्य दिया, काम करने की प्रेरणा दी, ईमानदारी सिखाई, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो हमारा वैचारिक संगठन है ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जेठानंद व्यास जी, क्रेडिट भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं पुनिया जी, क्या हम माने कि सतीश पुनिया जी को संघ से जुड़ा होने का इनाम मिला है? और पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां रुके हुए थे, हालांकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से उनका मंथन चल रहा है उस मंथन से ये अमृत निकलकर सामने आएगा, लेकिन उस मंथन से चेहरा निकलकर आया सतीश पुनिया जी का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कह सकती हूं एक अहम योगदान रहा है, एक अहम रोल रहा है यहां पर। जेठानंद जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपने मेरा परिचय गलत दिया, मैं आरएसएस का प्रचारक नहीं हूं, मैं हिंदू जागरण मंच का प्रांत संयोजक हूं। ओके सर, माफी चाहूंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। हेलो जी, दूसरी बात यह है कि जैसे पुनिया जी ने बताया है कि वो कैडर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज तक मैंने जैसे देखा है उन्होंने समर्पण रूप से जहां भी उनको दायित्व मिला उन्होंने काम किया है, चाहे विद्यार्थी परिषद हो चाहे बीजेपी, तो इस प्रकार वो बराबर सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। और जैसा आप कहते हो इनाम तो ऐसे संगठन के बहुत से लोग कार्यकर्ता मतलब कहते हैं जी, आपकी बात नहीं है, कार्यकर्ता धीरे धीरे काम करके आगे के प्रकार आगे बढ़े बढ़ी है और संगठन ने उनको इस प्रकार का दायित्व सौंपा है, ये सब की खुशी की बात है। चलिए जेठानंद जी, मैं आती हूँ आपके पास, दिनेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज में थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है, शायद किसी भी तकनीकी खराबी के चलते आपकी स्पष्ट आवाज हम तक नहीं आ पा रही, मैं आपके पास लौटती हूँ। दिनेश गौरासिया जी, सारी बातें आपका अब तक आपने जो सुनी सबकी ठीक है, लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषण आपसे कराना चाहूंगी, क्या इसके पीछे रणनीति आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि 3 महीने के लगातार मंथन के बाद पुनिया के नाम पर मोहर लगती है,
क्या हम इसको सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर भी देखें कि यहाँ सफल रही है बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग साधने में, क्योंकि राजपूत जाति से गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल को केंद्र में मंत्री बना दिया था और उसके बाद ये लगातार ऐसी चर्चाएं चलने लगी थी कि अब कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से ब्राह्मण या जाट नेताओं में से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा और वो चेहरा हमारे सामने है। राजनीतिक पार्टियों के सामने ये चीजें तो रहती ही हैं, उनको जातिगत कैलकुलेशन बैठाना पड़ता है, लेकिन सतीश जी पूनिया के मामले में अपन को ये मानना पड़ेगा कि उनका कोई जाति के रूप के अंदर उनकी कोई छवि नहीं है। उनकी जाति से उठ करके सर्व समाज में उन्होंने एक अच्छी पेठ बनाई है, एक अच्छे अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, सहज और एक मिलनसार कार्यकर्ता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले विद्यार्थी परिषद में लंबा अनुशासनात्मक जीवन जिया है, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है और एक अच्छी पहचान बनाई है। आज जैसे ही सतीश सिंह पूनिया जी का नाम कार्यकर्ताओं ने सुना तो मैंने बहुत कार्यकर्ताओं से बातचीत की, बहुत उमंग, बहुत उत्साह, मतलब अद्भुत अद्वितीय उत्साह नजर आ रहा था कार्यकर्ताओं के अंदर इनके नाम को लेकर के कि सतीश सिंह पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले भी जब स्वाभाविक चर्चा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मेरी होती थी तो उनको पूछा जाता था कि भाई कौन होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, सतीश पूनिया जी के जब नाम का जिक्र आता है तो कार्यकर्ताओं का ये कहना रहती है कि उन तक पहुंच सकता है। सर मैं लौटती हूं सतीश पूनिया जी, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि हम कांग्रेस को पूरी तरीके से अलग थलग करने की कोशिश में लगे हैं, रणनीति तैयार है, मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार के 10 महीने का कामकाज हो गया है, 10 महीने सरकार को हो गए हैं, आप कैसे आकलन कर रहे हैं सरकार के कामकाज का? सरकार पूरे तरीके से हर मोर्चे पर विफल है, वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से, कानून व्यवस्था को थामने और कायम करने की दृष्टि से, जन घोषणा पत्र जारी किया उस पर खरे नहीं उतरे, और एक लचर सा संगठन, लचर सी सरकार जो न सदन में सामना कर सकती है न सड़क पे कर सकती है। थानों में जिस तरीके का अभी ताजा घटना थी, पहली बार हुआ AK-47 से थाने पर हमला और अपराधी को लॉकअप से छुड़वाना, गैंगरेप से लेके लॉकअप से छुड़वाने तक की ये वानगी है राजस्थान में कि अपराधों में अचानक इजाफा हुआ। और राजस्थान जो कभी लोग कहते थे बिहार और उत्तर प्रदेश में अशांति होती है, लेकिन इस समय राजस्थान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिकॉर्ड कहता है कि इस समय हिंदुस्तान के 10 ऐसे राज्यों में शुमार है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। जो किसानों ने आस रखी, जो नौजवानों ने आस रखी महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान की, सिर्फ योजनाओं का नाम बदला और उनको नाम बदल के केवल उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करी, ये काम बीजेपी कर चुकी थी। बुनियादी विकास के मुकाबले आज कुछ नहीं है, ठेकेदार इंतजार करते हैं कि कब उनको भुगतान होगा और कब वो काम शुरू करेंगे। तो बुनियादी विकास से लेकर पूरे प्रदेश की जो साख थी उसको कमजोर किया, सिर्फ पाठ्यक्रमों में बदलाव करते रहे, योजनाओं का नाम बदलते रहे और एक किस्म से एक परिवारवाद का एजेंडा थोपने की कोशिश करी। मुख्यमंत्री जी की यदि विजिट्स का आंकड़ा देख लें तो ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है और गृह मंत्री के जिम्मे कानून व्यवस्था की स्थिति होती है। आज इस सरकार के पास गृह मंत्री नहीं है। अध्यक्ष की बात करूं तो हम पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति और एक पद के सिद्धांत को कांग्रेस में कब लागू किया जाएगा? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस को विकल्प नहीं मिलता है। तो राजस्थान में भी संगठनात्मक तौर पर भी जनता ने नकार दिया इनको, वैचारिक रूप से नकार दिया, व्यवहारिक रूप से नकार दिया, लोकसभा के चुनाव के साफ तौर पर बताते हैं। छोटा सा सवाल से जल्दी से जवाब चाहूंगी 10 सेकंड में, यही वो मुद्दे हैं इस पर पहली परीक्षा पास करने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की विफलता ये बड़ा हथियार है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की सरकार की विफलता ये बड़ा हथियार है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बड़ी बात कही आपने कि सरकार की विफलता ही हमारा बड़ा हथियार है और उसी हथियार के जरिए हम अपनी परीक्षा पास करने जा रहे हैं, सरकार को घेरने जा रहे हैं और निकाय चुनाव में सफलता भी पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। तो आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद, 3 महीने के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया मुखिया प्रदेश में मिल गया है, लेकिन बड़ी चुनौती है इस मुखिया के आगे क्योंकि अगले ही महीने निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में पहली परीक्षा सतीश पूनिया कैसे पार कर पाते हैं ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।